हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम क्या मेरी बात आलिया परवीन से हो रही है? आप कौन बात कर रही हैं? मैम मैं आपके बैंक से रिलेशनशिप ऑफिसर जफर इकबाल बात कर रहा हूँ और सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आपके बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर रहा हूँ। क्या आपके अकाउंट नंबर के आखिरी 4 डिजिट 5006 हैं? जी यही नंबर है। मैम क्या आपका शनाख्ती कार्ड नंबर 26401231458853 है? हाँ, आईडी कार्ड नंबर भी यही है। बहुत शुक्रिया मैम, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपका एक अकाउंट इस्लामिक बैंक में भी है, क्या ये मालूमात दुरुस्त है मैम? जी दुरुस्त है, लेकिन ये सब मालूमात आपके पास कैसे हैं? आजकल बहुत से फेक अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान की हदायत और फराहम करदा मालूमात पर सब लोगों के अकाउंट की वेरिफिकेशन हो रही। जो अकाउंट वेरीफाइड नहीं होंगे वो सब ब्लॉक कर दिए जाएंगे और उनमें मौजूद फंड्स हुकूमत पाकिस्तान के पास जब्त हो जाएंगे। ओहो, अच्छा तो मुझे कैसे वेरिफिकेशन करवानी होगी अपने अकाउंट की? मैम आपके फोन पे 4 डिजिट्स का OTP मौसूल हुआ है, वो मुझे बताइए ताकि मैं आपके अकाउंट को अपडेट कर सकूं। रुकिए, याद रखिए, ये इब्तदाई मालूमात वो लोग मुख्तलिफ गैर कानूनी जराए से हासिल कर लेते हैं और अपने आप को बैंक ऑफिसर, किसी सरकारी इदारे या फौज का एहलकार जाहिर करके और आपकी कुछ जाती मालूमात बताकर पहले आपका एतमाद हासिल करने की कोशिश करते हैं और आपके अकाउंट की लॉगिन और पासवर्ड की तफसील मिलते ही आपको माली नुकसान पहुंचा देते हैं। जो ही फ्रॉडिया कॉलर आपसे आपका पिन, पासवर्ड या दूसरी बैंकिंग मालूमात पूछे तो समझ जाएं कि आपको धोखा दिया जा रहा है और फौरन ऐसी कॉल को मुनकता कर दें। किसी भी ऐसी सूरत हाल में अपने बैंक की हेल्पलाइन पर फौरी राब्ता करें। याद रखें, अपने जाती और बैंकारी मालूमात की बेहतरीन हिफाजत आप खुद कर सकते हैं। मोहतात रहें, फ्रॉड से बचें। मफाद आमा का पैगाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से।